दोस्तों, आज का ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बात करूँगा पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स माइंडसेट के बारे में। क्यों इंडियन पेरेंट्स माइंडसेट ऐसा है और हमारा माइंडसेट क्यों अलग है हमारे पेरेंट्स से। आपको पता है, इंडिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उनके उनके फादर के साथ बनती नहीं है, यानी कि विचारों में मतभेद होते हैं उनके फादर के साथ। जो लड़के सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा भी क्यों होता है, उसका भी क्या रीज़न है, पूरा आज बात करूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका भी एक आपके पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता है उसमें बहुत ही बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत दिक्कत थी, फिर मैंने इसका भी सॉल्यूशन लिया, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा देश आज़ाद हुआ अभी कितने साल हुए, 1947 में सिर्फ आज़ाद हुए, अभी 100 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुए। हम एक गुलामी के रास्ते में थे। जो हमारे फादर के फादर है उन्होंने, हो सकता है शायद आज़ादी के टाइम पे ही सब कुछ देखा है, फिर हमारे फादर का वो टाइम है, उन्होंने जो देखा है उनका माइंडसेट है सेविंग माइंडसेट, यानी कि उन्हें सेव करना है पैसों को। आप जब देखोगे मिडिल क्लास फैमिली माइंडसेट होता है पैसे सेव करना, कहीं पे जाएंगे 10 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे, टाइम को इतनी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्री में है। और हमारा माइंडसेट क्यों अलग होता है, क्योंकि हम जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, हम US का डेवलप्ड कंट्री का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी जिन्हें इंग्लिश नहीं भी आती वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली US का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। इन्वेस्ट, मनी इन्वेस्ट कीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, पैसा ही आपको पैसा कमा के देने वाला है। US में 50% लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, इंडिया में अभी भी ये 10% के प्लस नहीं जा चुका, क्योंकि यहाँ का माइंडसेट नहीं है, हमारे पेरेंट्स का ये माइंडसेट बना नहीं है। हो सकता है कि आपको ऐसा करियर चूज करना चाहते हो जो कि आपको पेरेंट्स को बिल्कुल समझ में ना आए। आपके पेरेंट्स का जो माइंडसेट है, ये पूरे इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट है कि मेरे बच्चे को एक ऐसी जॉब मिल जाए, एक ऐसा काम मिल जाए जहाँ से उनकी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाए। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि वह चाहते हैं कि यार 23 का हो गया, 24 का हो गया, अब कुछ एक ऐसी जॉब मिल जाए कि लाइफ सेट हो जाए, हम देख लें कि लाइफ सेट हो गए, तो वे हमेशा एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि इनसिक्योरिटी पैसों को लेके, इनसिक्योरिटी करियर को लेके, इनसिक्योरिटी इमेज को लेके, समाज में जो चलता है। डेमोक्रेसी दोस्तों एवरेज लोगों से बनती है, डेमोक्रेसी में जो बड़े वैल्यू वाले लोग हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है। अब देखना बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज हो गए जिन पे 10,000 व्यूज नहीं होने चाहिए, वहां पे मिलियंस ऑफ व्यूज है, और जो एक्चुअल में जो आपका दिमाग खोलने वाला कंटेंट होगा, जो आपको लाइफ में 10x 20x ग्रोथ देगा, वहां पे कुछ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज है। यहाँ पे गलती नहीं है, गलती किसी भी क्रिएटर की नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी बनती है एवरेज लोगों से। तो एवरेज लोगों का माइंडसेट हमेशा एवरेज चीज़ों को ही चूज़ करता है, पसंद करता है। अब बात कर रहा हूँ मैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज नहीं हो पाएगा। हमें लगता है कि पेरेंट्स हमारे हिसाब से सोचे, लेकिन वो सोच नहीं पाएगी, क्योंकि जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर बिताई है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहले तो अभी डेवलपिंग कंट्री में इंडिया आया है, पहले तो हालत और भी बुरे थे, अब डेवलपिंग कंट्री में आ चुका है, अभी भी पेरेंट्स के पास मोबाइल आया, थोड़ा बहुत अभी डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन हमारे माइंडसेट के साथ उनका माइंडसेट कभी मैच नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ सिंपल रीज़न है कि हम डेवलप्ड कंट्री के कल्चर को आज फॉलो करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो भी एक डेवलप्ड कंट्री की ही हमें दी गई हुई देन है। तो यहाँ पे दिक्कत बनेगी। आप अभी मैं जैसे कि बात करूँ अपनी, तो मेरा भाई अभी MBBS डॉक्टर के लिए निकल चुका है, लेकिन मैं एक ऐसी क्रिएटिव फील्ड में हूँ। हो सकता है कि आज मेरे पेरेंट्स से सभी पूछ रहे हैं कि आपका बच्चा क्या करता है, तो मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं जर्नलिज्म में है, मास कम्युनिकेशन में। अब उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये करियर क्या होता है, ये क्या चल क्या रहा है। वो मेरे पेरेंट्स को भी मेरे एक करियर को लेके इनसिक्योरिटी कि क्या लाइफ में कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा जब हम स्टार्टअप पे काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ओनर माइंडसेट कभी देखा नहीं है। अंग्रेजों ने हम पे इतने सालों तक राज किया, इसका ये जो इम्पेक्ट होता है, जो न्यूक्लियर बम कभी गिरता है ना कहीं पे, तो वो पीढ़ी तक, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी इम्पेक्ट रहती है, जो रेडियो एक्टिव होता है। तो इसी हिसाब से जो हमारा देश अभी आज़ाद हुए, अभी 100 ईयर नहीं हुआ, तो अभी भी इनकी विचार जो है, जो एक गुलामी के विचार, उनकी अभी भी इम्पेक्ट है। नौकरी को आज इसलिए वैल्यू दी जा रही है, और जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते। वो क्यों बताना चाहे, वो क्यों लोगों को कहना चाहे, क्योंकि लोगों को चाहिए ही गुलामी, क्योंकि वो अभी रेडियो एक्टिव की इम्पैक्ट है। अब हो सकता है कि आपके आपकी पेरेंट्स के साथ अभी बहुत नहीं बन रही है, लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि अभी आप हो सकते हैं पैसे नहीं कमा रहे हैं, आपके पेरेंट्स के पैसों पर जी रहे हैं। हो सके तो एक जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, अभी नहीं करना, ऐसा कोई नहीं है कि आज ही कर दे, फ्यूचर में खुद अपना बनाने का माइंडसेट है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।
आप आपके पेरेंट्स के साथ कभी बातों की लड़ाई में जीत नहीं पाओगे, क्योंकि वे सोचते कि ये बच्चा है, उन्होंने इसने कितनी दिवाली देखी है तो मोबाइल की बातें कर रहा है। और जब तुम बड़ी बात करोगे, जब तुम बात करोगे ना कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, मिडिल क्लास पेरेंट्स डरते हैं कि ये बात क्या कर रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है। आप जो वीडियोस देख रहे हो, आप जो लाइफस्टाइल अभी हम मोबाइल में देख रहे हो, हमारे पेरेंट्स नहीं देख रहे कि लाइफ में कुछ ऐसा भी होता है, इस हिसाब से ट्रैवल होता है, ऐसे लोग पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा भी बनता है। एक ही सोल्यूशन है, बस आपको आपके पेरेंट्स के साथ यूं ही रिश्ते नहीं तोड़ने, बिगाड़ने नहीं, अच्छे से रहना है। क्योंकि आप जब प्रूव कर दोगे तब यहाँ पे चीज़ें संभल जाएगी। मैक्सिमम 5 to 10 ईयर का मैंने बताया लॉक टाइम होता है, वो इतने टाइम में यदि आप काम करोगे तो लॉक कर दोगे, पैसा बनेगा और फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है, ये बात इंपॉर्टेंट थी कि हो सकता है आपके आपके फादर के साथ बिल्कुल नहीं बन रही हो, आपका फैमिली के साथ भी बिल्कुल, आपके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हो। यहाँ पर दिक्कत किसी की नहीं है, दिक्कत है माइंडसेट की, दिक्कत है कल्चर की। यदि आपको उठा के आज हम अफ्रीका में भेज दें जब आप बच्चे थे, तो आप शायद अभी खाने से भी ऊपर ना आ पाओ। घाना जैसी कंट्री में अभी बच्चे सिर्फ खा रहे हैं, और यदि उसी बच्चे को उठा के तुम US में भेज दो, लॉस एंजलिस में भेज दो, तो उसका माइंडसेट बिलियनर वाला अपग्रेड हो जाएगा। तो यही बात है, ये सब जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, कल्चर है, उस हिसाब से बनता है। हमारे पेरेंट्स के साथ भी यही दिक्कत हो गई थी, लेकिन आने वाला कल्चर अब बहुत चेंज हो रहा है। बस आपको प्रूव करना है अपनी सेल्फ को, और किसी को पेरेंट्स को आंसर नहीं देना है। और एक बात भी याद रखने की, अभी क्या आप आपके पैसों पे जी रहे हो या पेरेंट्स के पैसों पे जी रहे हो, जैसे भी चाहे सेविंग करके भी, बस यहाँ पे इस हिसाब से माइंडसेट अपने अवेयरनेस जितना हम लॉजिकली लगाएंगे। क्योंकि ये मेरी सबसे पहली दिक्कत थी कि यार मैं ऐसा करियर पे आ चुका हूँ जहाँ पे कोई करियर स्टेबिलिटी नहीं दिखती मिडिल क्लास पेरेंट्स को, तो मैंने अपने हिसाब से रिसर्च करके ये माइंडसेट मेरे को पता चला है जो आपके साथ शेयर किया है। बस इस वीडियो में ऐसा ही बस एंड करते हैं। अब कैसा लगा, लाइक अच्छा लगा, थोड़ा बहुत आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कर देना। नए व्यूअर्स यदि कोई जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।